नमस्कार, आप देख रहे हैं भट्टू दर्पण न्यूज। मुख्य समाचारों के साथ मैं जय सिंह जालवा। नमस्कार बहनों और भाइयों, आज हर कोई चाहता है कि उसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा की कुछ बात ही निराली होती है। ऐसा ही कुछ एक्स्ट्रा मिलता है इंडियन ऑयल के पेट्रोल में। जी हाँ, भट्टू कला क्षेत्र में एकमात्र इंडियन ऑयल का पंप है फतेहाबाद रोड पर सरस्वती फिलिंग स्टेशन, जहां पर लग चुकी है एक्स्ट्रा माइलेज के एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की मशीन, जिसकी विशेष खूबी है कि ये पेट्रोल आपकी गाड़ी को रखता है दुरुस्त और देता है ज्यादा माइलेज। प्रीमियम ब्रांडेड पेट्रोल रखता है आपकी गाड़ी के इंजन को और दुरुस्त और प्रदूषण रहित। तो फिर देर किस बात की, आइए भट्टू कला क्षेत्र के एकमात्र एक्स्ट्रा प्रीमियम वाले पंप सरस्वती फिलिंग स्टेशन फतेहाबाद रोड भट्टू मंडी में। फतेहाबाद जिला उपायुक्त प्रदीप कुमार ने जिला वासियों को लोहड़ी पर्व व मकर संक्रांति की बधाई व शुभकामनाएं दी है। उन्होंने नागरिकों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। लघु सचिवालय प्रांगण में उपायुक्त ने अधिकारी व कर्मचारियों के साथ लोहड़ी पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। मूंगफली रेवड़ी आदि खाद्य सामग्री डालकर विधि पूर्वक लोहड़ी पर्व की शुरुआत की। इस अवसर पर उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि लोहड़ी व मकर संक्रांति व अन्य त्यौहार हम सभी को अच्छे कार्य करने तथा निस्वार्थ भाव से जनता की भलाई करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी को एक टीम वर्क की भावना से कार्य करते हुए जिले को विकास की ऊंचाइयों की तक लेकर जाना है। कार्यालय में आने जाने वाले आगंतुकों के साथ मधुर व्यवहार करें और उनकी जायज समस्याओं को तत्परता से निपटाएं। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा, एसडीएम राजेश कुमार, नगराधीश सुरेश कुमार, डीआरओ प्रमोद चैल, तहसीलदार रणविजय सिंह सुल्तानिया, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के उप निदेशक डॉक्टर शाहबराम गोदारा, सीएमजी जी ए रितेश काल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी तथा महिलाएं कर्मचारी भी मौजूद रहे। हिसार मंडल पुलिस महानिरीक्षक राकेश कुमार आर्य ने वीरवार को जियो मैस नई पुलिस लाइन हिसार मंडल के 25 गांवों में चलाए जा रहे ड्रग एवं हिंसा मुक्त मेरा गांव मेरी शान अभियान के तहत जिलों में गठित की गई टीमों द्वारा इस दिशा में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। जिलेवार समीक्षा करते हुए टीम द्वारा इस दिशा में किए गए कार्यों एवं अनुभव जाने तथा पांचों जिलों से आई टीमों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट में अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि परोपकार के इस कार्य के लिए लोग सहयोग कर रहे हैं और इसे अभियान को दिल से जुड़कर कर रहे हैं। आईजी ने कहा कि अपराध को सुलझाना पुलिस का अच्छा कार्य है, परंतु अपराध को घटित होने से रोकना सर्वोत्तम है। इस दौरान फतेहाबाद की टीम ने भी इस दिशा में अच्छे कार्य किया। उन्होंने 11 युवाओं की नशा मुक्ति केंद्र फतेहाबाद में दाखिल करवाया।